और सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और देर रात से आपको बता दें हमारे सहयोगी डटे हुए हैं और आपको एक एक जानकारी इस भूकंप से जुड़ी बता रहे हैं। रात 2 बजे देर रात जब आप सो रहे होंगे उस वक्त ये झटके महसूस किए गए और आज तक में सबसे पहले भूकंप की खबर आपको दिखाई। लखनऊ से आशीष का रुख करेंगे। आशीष, लखनऊ समेत यूपी के कई हिस्सों में झटके महसूस किए गए हैं, ताजा जानकारी आपके पास क्या पहुंची है? जिस तरीके से देर रात भूकंप के झटके आए थे उसके बाद से चाहे लखनऊ हो, उत्तर प्रदेश की राजधानी, इसके अलावा मथुरा है, मथुरा के अलावा आजमगढ़ और भी जो एरिया पूर्वांचल के, हम सभी जगह भूकंप के झटके देखे गए थे। लोगों में डर का माहौल इस कदर था कि लोग अपने बच्चों को लेकर, अपने घर के महिलाओं के साथ बाहर निकलकर चले आए और देर रात बस इसी उहापोह में थे कि क्या आखिर भूकंप के झटके कैसे रुकेंगे, क्योंकि वो घबरा काफी गए थे। और उसके बाद लोगों ने कई तो ऐसे परिवार थे जो गाड़ियों में अपनी देर रात पूरी सोए हैं और इसी डर से कि कहीं दोबारा भूकंप ना आए। तो स्थिति काफी डरावनी थी देर रात में और ऐसी स्थिति में लोग पार्कों में जाकर अपने रुके हैं और कहीं ना कहीं जो है अपने सहयोगियों से, अपने रिश्तेदारों से बात करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये भूकंप के झटके उनके यहाँ भी आए, उनका अपना हालचाल लेना शुरू कर दिए थे। आपको बताएं कि जिस तरीके से हॉस्पिटल्स में लोग अपने पेशेंट के साथ थे वो बाहर निकल कर चले आए हैं और जो हाई राइजेस बिल्डिंग थी वहां पर जब इन बातों, जैसे ही इसकी सूचना मिली, जैसे ही उन लोगों को लगा भूकंप आ रहा है, तो लिफ्ट से उतरने के बजाय वो लोग जो सीढ़ियों से है वो नीचे उतरने लगे और आनंद फानंद में अपने पार्कों में पहुंचे। तो ऐसी स्थिति थी लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी में, और यहाँ के साथ साथ और जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं सभी जगह पर इसी तरीके की स्थिति बनी हुई थी। और यहाँ तक जो लोग बस अड्डे से यानी कि कहीं बाहर जा रहे थे वो उस बस से उतरकर बाहर खड़े हो गए। तो ऐसी स्थिति थी जो 2 बजे के आसपास में देर रात, चूंकि उस समय बहुत से लोग सोए हुए भी थे उनको भी जानकारी नहीं लग पाई, लेकिन जो लोग जग रहे थे ऐसे मूवमेंट होने लगे कि वहां पर तत्काल जैसे बेड हिलने लगे, वहां के फैंस हिलने लगे और उनके जब मूवमेंट हुआ उनके घर का तो घबरा कर घरों से बाहर निकल आए और अपने रिश्तेदारों को फोन करने लगे, अपने अपने जानने वालों को पहचानने बात करने लगे कि आखिर ये भूकंप के झटके क्या वहां भी महसूस किए जा रहे हैं जिस तरीके से वो महसूस कर रहे हैं। तो इस डर से वो निकलने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये भूकंप क्यों अब आया है और कब तक ये रहेगा, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। वो लगातार फोन इधर से उधर लगा रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे और अपनी स्थिति बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे यहाँ जिस तरीके से भूकंप आया है, क्या आपके यहाँ भी वैसा ही भूकंप आया है या सिर्फ मुझे ही महसूस हो रहा है या आपको भी महसूस हुआ है। तो लोगों ने आपस में कम्युनिकेट किया और ये बताया कि जैसा आपके यहाँ भूकंप है वैसा ही सभी जगह आया है। तो इस वजह से सभी अपने घरों से बाहर निकलकर देर रात अपने छोटे छोटे बच्चों को, जो मासूम बच्चे थे 1-1 साल के 2-2 साल के, उनको लेकर गोद में चादर में लपेट कर बाहर पार्कों में खड़े रहे। यहाँ तक कुछ लोग तो अपने बच्चों को लेकर गाड़ियों में पूरी रात सोए हैं। तो ऐसी स्थिति में राजधानी लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश के कई जिलों का ये हाल रहा है और ये जो स्थिति थी वो काफी डरावनी थी, लोग काफी घबरा गए थे और इस भूकंप की तीव्रता थी वो काफी ज्यादा थी और इसी वजह से लोग उस मूवमेंट को समझ नहीं पाए, क्योंकि वो जितने भी सेकंड, शुरुआत के 4 से 5 सेकंड जब लोगों को समझ में नहीं आया, उसके बाद लगा कि भूकंप आया तो लोग चिल्लाते हुए भी बाहर आए। लोगों ने एक दूसरे को चिल्लाकर बाहर वापस बुलाया कि सब लोग बाहर निकल आइए, भूकंप आ गया है। इस तरीके से लोगों में बहुत ज्यादा डर का माहौल हो गया था। हालांकि सुबह होते होते लोग घरों के अंदर जाने लगे और अपने जो डेली रूटीन है वो काम करने लगे, चूंकि उनको लगा कि शायद अब दोबारा भूकंप तरीके से देर रात में आया था वो नहीं आएगा, क्योंकि 4 से 5 घंटे लोग सफर करते रहे और इस इंतजार में रहे कि अगर दोबारा आएगा तो वो अपने जान को सुरक्षित कर लेंगे, अपने अपने घर वालों को सुरक्षित कर लेंगे। हालांकि अब सुबह की स्थिति यही है कि उत्तर प्रदेश में किसी की जान की कोई भी नुकसान नहीं हुआ है और अब लोग घरों में अंदर जाना वापस शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उनको लगा है कि शायद अब दोबारा वापस नहीं आएगा। हालांकि इस बार वो जानकारी भी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या हुआ देर रात में, कहाँ कहाँ नुकसान हुआ, अपने रिश्तेदारों को सुबह उठ के फोन कर रहे हैं, अपने जो जानने वाले उनको फोन कर रहे हैं कि आप सुरक्षित हैं कि नहीं है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई है। तो स्थिति काफी डरावनी थी और ऐसी स्थिति में लोग काफी घबरा गए थे, क्योंकि ये भले ही नेपाल में भूकंप आया हो लेकिन उसका असर जो है पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ है और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के लोगों ने शॉक झेले हैं, जिस तरीके से लोगों के क्रैक्स आए हैं घरों में, वो अपने घर को चेक कर रहे हैं, अपने अपने सामान को देख रहे थे। सुबह उठ के कई लोग ऐसे थे जो गहरी नींद में सो रहे थे लेकिन जब सुबह उठे तब उन्होंने देखा कि उनका सामान अस्त व्यस्त है, उनके घर का सामान बिखरा हुआ है। यानी कि उस बात का तब उन्होंने पुष्टि की जब लोगों से बात की कि देर रात इतनी तेज भूकंप आया था कि सारा सामान बिखर गया। तो ऐसी स्थिति भी मिलकर रात भर बनी रही और लोग
काफी परेशान है। हालांकि सुबह होते होते अब थोड़ा सा माहौल शांत हुआ है, बट लोग अब जानकारी चाहते हैं और क्या अब आगे की सिचुएशन होगी, कैसे इससे टैकल करना है, इन सारी चीजों को लेकर अब सबसे ज्यादा लोग फोन कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रशासन से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं क्या किया जाए, कैसे बचा जाए। तो इन सारी चीजों को लेकर ये पूरा सिस्टम इस समय उत्तर प्रदेश में चल रहा है। जी बिल्कुल आशीष, और हम भी लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि दर्शकों तक इससे जुड़ी तमाम जानकारी बताएं। और देहरादून से अंकित शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित, आप देर रात से इस खबर पर कवरेज कर रहे हैं, जानकारी और तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, फिलहाल ताजा अपडेट क्या है? क्या किसी तरह के नुकसान की कोई खबर मिल रही है उत्तराखंड में? क्या किसी जिले में ज्यादा इसके तेज झटके महसूस किए गए हैं? जी मलिका, देखा जाए तो उत्तराखंड के पास में ही नेपाल में ये एपिसेंटर था। पिथौरागढ़ से 90 किलोमीटर की दूरी पर भूकंप शुरू हुआ था और दिप्याला के पास जो क्षेत्र है वहां से ये बताया जा रहा है। दो टी डिस्ट्रिक्ट है ये नेपाल में। उत्तराखंड की हम बात करें तो यहाँ पर इतना ज्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। और बात करें पिथौरागढ़ की, जो कि सीमा से सटा हुआ जिला है और दुर्गम क्षेत्र है, वहां पर भी अभी कोई जानमाल के आने की खबर नहीं है। तो ये राहत की बात है। हालांकि ये दूसरी बार ऐसा हुआ है। रविवार को भी सबेरे 8:33 पर भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता 4.5 रिक्टर स्केल पे नापी गई थी, जिसका केंद्र चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी जिले में था। और उसके बाद भी कई जगहों में, देहरादून समेत कई क्षेत्रों में भूकंप आया था। तो ये दूसरी बार है, 3 या 4 दिनों में दूसरी बार भूकंप आया है और ये जाहिर सी बात है कि चिंता का विषय है। हालांकि जब ये भूकंप आया तो अधिकतर लोग यहाँ पर देहरादून में या जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, तो वहां पर लोग सो रहे थे और कोई बाहर नहीं आया। कुछ क्षेत्रों में जहाँ पर घनी आबादी है, जो बस्ती वाले क्षेत्र हैं, वहां पर लोग जरूर बाहर निकले थे और थोड़ी देर के बाद वो लोग अंदर अपने घरों की ओर चले गए। और यहाँ पर राजधानी में भी कोई ऐसी सूचना अभी नहीं आई है कि जिसमें हताहत की खबर आई हो सामने। हालांकि ये काफी चिंता का विषय है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में कम्युनिकेशन जो होते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो सूचनाएं देर से आती हैं। तो जैसा कि सुबह हो चुकी है, अब जो डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम है वो भी इस बात की जांच कर रही है और उत्तराखंड पुलिस भी एक्टिव हो गई है। तो अब जैसे ही जैसे सूचना आएगी तो हम आपको अपडेट करेंगे उसमें।